हेलो स्टूडेंट्स, ओ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इट्स अमिता मैम हियर विद टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में अर्जुना अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट अवार्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी. अगर हम इस अवार्ड की बात करें बेटा, तो इस अवार्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन द ईयर 1956 से 57 के इन बिटवीन. और इसका अवार्ड का जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा था? हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम पड़ा है. अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और किन पर्सन्स को दिया जाता है? यूनिवर्सिटीज़ के पर्सन्स को ये अवार्ड रिसीव होता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए. और कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसमें? अगर हम इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन देखें या फिर इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन देखें, उन कंपटीशन में जिन पर्सन्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको ये अवार्ड रिसीव होता है इन द सेम ईयर में. अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो क्राइटेरिया रहता है इस अवार्ड का या फिर जो मार्क्स कैलकुलेशन रहती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, वो किस तरह से रहती है? वो रिवाइव्ड होती है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक परफॉर्मा बनता है, उसके बेस पे एक सिलेक्शन लिस्ट बनती है और नॉमिनेटेड पर्सन्स क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं इस अवार्ड के लिए. अब ये किन किन कैटेगरी के पर्सन्स को अवार्ड दिया जाता है? फर्स्ट वन इज़ योर ओलंपिक गेम्स, फिर जो पैरालंपिक गेम्स खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, एशियन कप, फिर आप ये बोल सकते हो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो खेलते हैं या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलते हैं, इंटरनेशनल जोनल चैम्पियनशिप्स. ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जो इसके रिगार्डिंग गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल में, उनको ये अवार्ड रिसीव होता है. जब ये अवार्ड रिसीव होता है तो जो विक्टरी पर्सन होता है, जो विनर पर्सन होता है, उसको कितना अमाउंट मिलता है? 15 लाख. 15 लाख अमाउंट मिलता है एज अ कैश अवार्ड. फिर जो अमाउंट है, अगर तो एक से ज़्यादा पर्सन क्या हो रहे हैं ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट रनर अप है उसको कितना कैश मिलेगा? 7.5 लाख. और जो सेकेंड रनर अप है उसको कितना अवार्ड मिलेगा? सेम एज इट इज़, 7.5 लाख. और उसके साथ अगर डिवीज़न हो रही है तो 4.5 लाख रिस्पेक्टिवली. मतलब कि अगर तो एक ही पर्सन आ रहा है तो उसको कंप्लीट 15 लाख, अगर दो पर्सन आ रहे हैं 7.5 एंड 7.5 लाख. इन केस अगर तीन पर्सन आ रहे हैं सेम पोजीशन पे, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको पूरा अमाउंट मिलेगा, जो सेकेंड और थर्ड है उसमें डिवीज़न हो जाएगी 7.5 लाख एंड 4.5 लाख की. ये था बेटा आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी. अगर हम नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, दैट इज़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. जैसे मैंने आपको अर्जुना अवार्ड में बताया था कि जिन पर्सन्स की स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको ये अवार्ड रिसीव होता है, सेम एज इट इज़ जो पर्सन्स स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स कैटेगरी में अच्छे होते हैं या फिर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उन पर्सन्स को भी कौन सा अवार्ड मिलता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इस अवार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? RGKR. और ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. जिनकी अचीवमेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में अच्छी होती है उनको ये अवार्ड से नॉमिनेट किया जाता है. इसके बाद में अगर हम इस अवार्ड के बीच में वर्ड देखें खेल रत्न, क्योंकि अगर आप पूरा नाम देखो अवार्ड का तो उसमें आ रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो अगर जो वर्ड खेल रत्न है उसका आप मीनिंग देखो तो वो मीनिंग क्या डिफ़ाइन करता है? स्पोर्ट्स जेम्स. मतलब कि ऐसे पर्सन्स जो क्या है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जीनियस हैं. इस अवार्ड का जो नाम था वो किसके नाम से पड़ा है? आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके नाम से पड़ा है? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हम ये भी बोल सकते हैं हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी, जो कितनी एज की में जिनकी डेथ हुई थी? एट द एज ऑफ 40 उनकी डेथ हो गई थी और वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे इंडिया के. अब जब ये अवार्ड रिसीव होता है तो इसमें क्या क्या मिलता है? ये अवार्ड जब हम ऑनर करते हैं एक पर्सन को तो हम इसके साथ क्या देते हैं? एक मेडल, स्क्रॉल ऑफ ऑनर, सब्स्टिट्यूशनल कैश ऑफ 7.50 लाख, प्लस आप ये बोल सकते हो कि इसमें क्या मिलता है? आपका ब्लेजर, टाई, प्लस रिम्यूनमेंट टुवर्ड्स द TA&DA.
ये सब किसको मिलता है, जो पर्सन ये अवार्ड को रिसीव करता है। इन केस अगर एक से ज़्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे फॉल कर रहे हैं, तो उसमें जो अमाउंट है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7.5 लाख है तो वो फर्स्ट रनर अप 3.575 एंड सेकेंड 3.75। नेक्स्ट, जो अमाउंट अवार्ड के टाइम पे दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और सेविंग्स सर्टिफिकेट, या फिर आप ये बोल सकते हो अगर गवर्नमेंट कोई डिमांड रखती है कि आपको चेक देना है तो चेक की फॉर्म में भी ये कैश हमें रिसीव होता है। अब अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 1991-92 में। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था, कि जो प्लेयर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस और जो उनकी प्रोग्रेस है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उनको इंक्रीज करने के लिए। अब ये अवार्ड किन पर्सन्स को दिया जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उन पर्सन्स को ये अवार्ड रिसीव होता है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें, जो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, उन पर्सन्स को भी ये अवार्ड रिसीव होता है। नाउ द प्रपोजल फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर हम प्रपोजल की बात करें, तो जैसे वहाँ पर आपको पता था कौन प्रपोजल सेंड करता था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो यहाँ पर जो प्रपोजल है वो किसके थ्रू सेंड होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ होती हैं, प्लस स्पोर्ट्स फेडरेशन, जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं, ये सब क्या करती हैं, प्रपोजल को सेंड करती हैं। और जो फाइनल डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि जो कमेटी होती है वो फाइनल डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकती, इसलिए जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अगर हम इस अवार्ड की बात करें, तो ये अवार्ड सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में एक पर्सन को दिया जाता है, उसके बाद में ये अवार्ड रिसीव नहीं होता फॉर द सेकेंड टाइम। इन केस अगर कैंसिलेशन हो रही है इस अवार्ड में, तो वो कैंसिलेशन कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है कैंसिलेशन का, प्लस रिस्टोर द अवार्ड, मतलब कि जो अवार्ड हमने कैंसिल किया है उसको अगर दोबारा से रिस्टोर करना है तो वो भी कौन कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कैंसिलेशन के क्या रीजंस होते हैं, मे बी जो हमारी हमने अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट बनाई है उसमें कोई फ्रॉड हो या फिर कोई मिस हैपनिंग होती है, तो उसकी वजह से हमारा अवार्ड कैंसिल होता है, और ये कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन जो वेन्यू है और डेट कौन डिसाइडेड करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाईएस्ट स्पोर्टिंग के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हो ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है ऑल ओवर द कंट्री, इसलिए इसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, उसकी फर्स्ट गेम दैट इज़ खो खो, फिर आपका बेटा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।